आज तक का कहना है कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स पर नंबर वन है। मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं सबसे नंबर वन आदमी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी नहीं हो जाऊंगा। अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है। आज की नजरों में आज तक को तो सबसे झूठा मानते हैं। आज तक को कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं तो आप भी गोदी मीडिया कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो तमाम मीडिया चैनलों में आज के समय में खबरों से ज्यादा इस चीज की होड़ है कि हम नंबर वन है। इसी होड़ के बीच में अब आज तक ने एक बड़ा दावा कर दिया है। आज तक का कहना है कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स पर नंबर वन है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टीवी हो या जो भी प्लेटफॉर्म हो। यानी आज तक ने खुद को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। तो इसी दावे को लेकर हम पहुंचे आज तक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 18 में, और हमने जनता से जाना कि उसका आज तक को लेकर क्या कहना है। तो चलिए जानते हैं आपका नाम। मेरा नाम राजकुमार नागर है मैडम। आज तक का दावा है कि वो नंबर वन न्यूज़ चैनल है, सभी प्लेटफॉर्म पर वो नंबर वन है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सभी प्लेटफॉर्म बोले तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, ये सब वो अपने आप को कह रहा है ना वो। मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं सबसे नंबर वन आदमी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी नहीं हो जाऊँगा। वो किसी और से कहलवाए, हमसे कहलवाए कि हाँ हम कहते हैं कि देश का नंबर वन चैनल है वो, तो आप मानोगे कि देश का नंबर वन चैनल वो है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो कहीं नहीं देखा, सर्वे हुई है कि क्या आज तक सबसे टॉप का चैनल है। हाँ ठीक है, मानता हूँ आज तक चैनल है, सही है, मैं इसको मानता हूँ कि न्यूज़ सही दिखा, लेकिन नंबर वन के मामले में हमने एक भी सर्वे, पूरे NCR की बात अगर करूँ तो हमने नहीं देखा। बात हो रोज़गार की हो और रोजी रोटी की हो, और अभी भी देखो कमज़ोर जो वर्ग जो है वो कमज़ोर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी पेशा परेशान है, ऐसी बात नहीं है। और जो अमीर हो है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है दिन पर दिन। आज तक यही सही नहीं दिखा रहा ज़्यादातर। इस समय तो राम मंदिर का प्रचार चल रहा है सभी चैनलों पे। जो यूपी में कुछ पोस्टर्स लगे हैं बुलंदशहर और मिर्ज़ापुर वगैरह साइड में कि यूपी में मीडिया से सच गायब है, आपका क्या मानना है इसको लेकर? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, जो छोटे चैनल वाले जो होते हैं उनके माध्यम से जो पता चलता है वो एक्चुअल हकीकत की न्यूज़ होती है, ठीक है। उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होता है ना, उसमें कुछ भी ये होता है कि हम बैकग्राउंड दिखा रहे हैं किसी चीज़ का। हमारे पास जो बैकग्राउंड है क्लियर दिखाएंगे कि कहीं पूछा गया है, सर्वे किया गया है कि भाई क्या आप मानते हैं कि आज तक सबसे बढ़िया है, और किसी ने यस और नो कहा हो तो हमने तो नहीं देखा। लोग मीडिया को आज की नज़रों में आज तक को तो सबसे झूठा मानते हैं। लोग जी न्यूज़ भी देखते हैं, TV9 भी देखते हैं, ठीक है, रिपब्लिक भारत भी देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज तक ही कोई सच बताता है, कुछ भी नहीं है आज तक के पास, कुछ भी नहीं है जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं नंबर वन चैनल हूँ। ऐसा नहीं मानना चाहिए उसे अपने आप को, क्योंकि जनता की राय भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया से तो कोई भी सच गायब नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया वाले आज की डेट में एम्बुलेंस से पहले मीडिया वाले पहुंच जाते हैं अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो। बाकी सच तो गायब नहीं हो सकता। अभी प्लेटफॉर्म्स पर नंबर वन बताया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो और चैनलों को पसंद करते हैं, उनको देखते हैं। अब ये ऐसे है आज तक वाले जो है कहते सरकार के साथ इस समय लगे हुए हैं, तो जैसा उनको ठीक लग रहा है वैसा कहें। तो आपका कहना है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात? बिल्कुल 100% अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है कि अपने आप को ही हर जगह, हर YouTube हो चाहे Instagram हो चाहे हर जगह, उनके अपने आदमी कैंपियन में लगे हुए हैं उन, तो उस हिसाब से उन्होंने हर जगह डाला हुआ है कि भाई ये हम नंबर वन है जी। वहीं यूपी में कई जगहों पर जैसे वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इनमें ना कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं कि यूपी में मीडिया से सच गायब है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सच गायब है, ऐसा कुछ नहीं है। कि बोलते प्रॉब्लम्स हैं आम आदमी की, आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको सरकार छुपा रही है, और न्यूज मीडिया जितना है सब उनका साथ दे रहा है। तो आप भी गोदी मीडिया कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप जो मेरी वीडियो शूट कर रहे हो, आप यहाँ का दिखाओगे क्लियर कि सामने वाले ने क्या बोला, कहाँ बोला, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे चैनल हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनकी न्यूज़ को परफेक्ट मानता हूँ, और ये उन्हीं की न्यूज़ को चुरा चुरा के अपने पास अपनी TRP के लिए बड़ा बड़ा के इधर से उधर से दिखाते हैं। तो आपका कहना है मेन स्ट्रीम मीडिया से सच गायब? जी, चाहे वो यूपी हो चाहे वो दिल्ली हो, सच तो गायब है। जो असली सच्चाई है, असली सच्चाई हम लोग जहाँ गली मोहल्ले में रहते हैं असली सच्चाई वहाँ है। तो किस तरह की खबरें गायब है, किस तरह की खबरें गायब? जो हकीकत है कि अगर वास्तविक में सच है तो वहाँ भी ऐसे ही डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि भाई ये वास्तव में हकीकत है। और ये नोएडा सेक्टर 18 है, यहाँ तो
एक से एक करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, उनके पास अपने भी हैं, अगर कुछ काम कम पड़ता है तो सरकार में हाथ भी बटा देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर डेवलप है, अगर करते हैं तो गांव का भी करो, तब दिखेगा कि हाँ वास्तव में ये सही है। क्या किस तरह की खबरें आपको लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, हर कोई नहीं दिखा पाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया दिखाता है वो हकीकत दिखाता है। ठीक है, आपके जैसे आपका चैनल है और भी कई चैनलों के नाम मैं अभी आपके माध्यम से बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग चैनलों को, छोटे छोटे जो लोग हैं वो चला रहे हैं चैनलों को, उनकी खबर जो है वो एक्चुअल में हकीकत में किसान से ले के गरीब आदमी तक की कहानी को दिखाते हैं वो। देखिए मैम, पहली चीज़ तो ये है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, मीडिया बिका हुआ है, सच नहीं दिखाया जाता है। सच इसलिए नहीं दिखाया जाता है, एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, अभी अतः आप जो सर्वे कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि लोगों को अंधभक्त बनाने के लिए सबके हाथों में फ़ोन है, तो उनमें सब पे इन्होंने अपना ट्रेंड चला रखा है, तो यही चीज़ गलत है, क्योंकि लोग सच्चाई को नहीं जानते, जो सोशल मीडिया पे आ जाता है वही सही हो जाता है। तो आप आज तक को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मैं तो 3 नंबर दे दूंगा, बहुत से बहुत, वो भी मेरे पास है तो मैंने दे दिया 3 नंबर, क्योंकि 7 नंबर मैं किसी और को भी देना चाहूँगा। तो 3 नंबर भी क्यों दे रहे हैं? 3 नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो चैनल है ना, कहना चाहे कि रेस में मैं आगे हूँ या मैं नंबर वन हो गया, तो जनता के वोट से ही आप नंबर वन होते हो, उससे पहले आप नंबर वन अपने आप को कह रहे हो तो आप कुछ नहीं कह सकते हो। आज तक आप कितने नंबर देना चाहेंगे? किसको? आज तक ऐसा कुछ नहीं है, अगर 10 है तो 10 में से 5 ले लीजिए बस। क्या TRP के लिए आदमी अपने आप को 4 दिन बाद पहुँचे वो दिखाए कि अब हम दिखा रहे हैं, तो आपको ये वो नहीं है। जो एक्चुअल में हो रहा है यहाँ, अगर कुछ हो जाए तो आप पहले दिखा दोगे? जी न्यूज वाले या जो आज तक आप कह रहे हो ना, आज तक नंबर वन चैनल है, वो आएगा आज के बाद, कल आए या परसों आए, लेकिन आज आप जो दिखा दोगे ना, वो आपने हकीकत दिखाया। मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, मैं आपके जैसे चैनल वालों को सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन आज तक के लिए कोई वो नहीं है कि आज तक अपने आप को ये कह रहा है, वो खुद से कह रहा है, खुद से कहना वो उसकी अपनी सोच है। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे आज तक? मैं आज तक को 7.5 नंबर दूंगा। ऐसा क्यों? 7.5 इसलिए देना चाहूँगा कि आपने इस तरह का जो उनकी चल रही है सर्वे, उनमें पहला व्यक्ति आप हैं, आप दोनों जो इस तरह का सर्वे का मुद्दा उठा रहे हैं पब्लिक के सामने में कि कभी इस तरह की सर्वे हुई थी आज तक के उसमें, इसीलिए 2.5 नंबर हम इसलिए काट रहे हैं कि अपने आप को हम सबसे सर्वश्रेष्ठ न कहें, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी 1 से 1 मार्केट में बैठे हुए हैं, 1 से 1 प्रतिद्वंदी।